क्या आपने कोई ऐसी कैंटीन देखी है जिसका खाना स्वाद और सेहत से भरपूर हो? आज हम आपको ऐसे ही कैंटीन में ले चलेंगे जिसके खाने के आगे लोगों ने अपने घर से लंच लाना छोड़ दिया। ये कैंटीन है दिल्ली के निर्माण भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। लाइन में लगे लोग खाना बनाने और परोसने का तरीका बता रहा है कि ये कोई खास कैंटीन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान चलाया है उसका असर स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कैंटीन में देखा जा सकता है। इस कैंटीन में श्री अन्न से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। इस कैंटीन के खाने में विविधता होती है। हर दिन श्री अन्न से बने खाने के मेन्यू में बदलाव किया जाता है। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। पर डे के हिसाब से हम अलग अलग मेन्यू बनाते हैं। उसमें रोटी होगी, जैसे मंडे को हमारा होता है जैसे बाजरे की रोटी होती है, और ट्यूसडे को हमारा होता है मिस्सी रोटी होती है, और वेंसडे को भाकरी होती है। भाकरी में पुलाव में भी बाजरे का पुलाव, भागर का और ज्वार का पुलाव बनाता है। एक मोटा अनाज है जिससे लोगों का डाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए। इस कैंटीन में बने खाने के स्वाद का असर इतना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी अब घर से खाना नहीं लाते हैं और इस कैंटीन के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। जैसे खाएं अन्न वैसे हो मन, इसलिए इसका नाम है श्री अन्न। तो हमें जो भी खा रहे हैं, जो जितना भी मिलेट्स का है सारा इसमें, वो खाने में स्वाद में बहुत ही टेस्टी है। रोटी में डिफरेंट वैरायटीज होती है एवरी डे, समटाइम्स रागी, समटाइम्स बाजरा और सारे टाइप के मिलेट्स। इवन ब्रेकफास्ट में भी सम ज्वार का कुछ ब्रेकफास्ट होता है, ज्वार का पोहा, वो भी बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल रेगुलर परोसा जाता है और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। जो हमें अभी मिलेट्स दिया जा रहा है और इसमें सारे जो मिलेट्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मिलेट्स, तो काफ़ी लाभदायक है सेहत के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। ये केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे किसानों के लिए भी काफ़ी लाभदायक हो सिद्ध होगा। हर दिन इनके पास नई रेसिपी होती है और वाकई बहुत टेस्टी है। घर में हमारे यहाँ सत्तू और ये सब चलता है, और मिलेट्स हम लोग धीरे धीरे अब ला रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ कैंटीन में भी अब मिलने लग गया है। पिछले साल खोले गए इस कैंटीन के ग्राहकों की संख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हमारे लंच निकलते थे 65-70 समथिंग, अब समथिंग 200 के लगभग लंच निकल रहे हैं हमारे, जब से मिलेट्स हमने जब से बढ़ाया है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। श्री अन्न से बने खाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कैंटीन में श्री अन्न की शुरुआत अच्छा भोजन अच्छा जीवन के मूल मंत्र के साथ किया गया था, जो अब धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाने के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। मैंने तो अपने थाली में मिलेट्स को अपनाया है, आप भी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी